तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पाबी पुश्ते पर। दोस्तों, वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में एंड तक। बहुत कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, यहाँ पर ये बनाया जा रहा है क्या पैराफिट, ये देखो ये पैराफिट बॉल ये लगाई जा रहे हैं, ये साइड बाल लगाई जा रही है, फिर इसके बाद में अर्थ वर्क का काम किया जाएगा दोस्तों। और काम कर देने के बाद में फिर इस पर देख सकते हो लाइन बनाने का काम चलेगा। और यहाँ पर ये बनाया जा रहा है दोस्तों अंडरपास, और अंडरपास बनाया जा रहा है पिलर के ऊपर, कि एक पिलर इधर है एक पिलर उधर है दोस्तों। और देखो पिलर पहले ही बन गया था, और पिलर बनने के बाद में अब इस पर पियर कैप का काम किया जा रहा है दोस्तों। और ये है पुलिस एकेडमी वजीराबाद दोस्तों, उसके सामने ये बना, देखो दिल्ली पुलिस एकेडमी वजीराबाद। तो ये चल रहा है कंस्ट्रक्शन, ये देख सकते हो यहाँ पर ये बनाया जा रहा है, ये पियर कैप बना के अब पियर कैप का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर देखो ये बनाया जा रहा है, फिर इस पर गर्डर रख दिए जाएंगे, और गर्डर रखने के बाद में फिर ये ऊपर कर दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये नीचे का भी इसका वो किया जाएगा। तो यही वर्क चल रहा है अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, उधर भी देखो ये साइड वॉल लगाने का काम किया जा रहा है, ये देखो तस्वीरें कुछ ये हैं। ये दिल्ली पुलिस एकेडमी के सामने ये अंडरपास बनाया जा रहा है, देख सकते हो, जिस पर पियर कैप बनाने का काम चल रहा है। ये देखो सेटिंग लगा चुके हैं पियर कैप के लिए, और यहाँ से ये अंडरपास बनाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को। गए देखो आगे चढ़ जाएंगे, चलते हैं आगे दिखाते चल के आगे क्या क्या वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पर। गए तो यही सारा काम चल रहा है अभी, जो अभी इसमें टाइम लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि सन 2024 में इसको कंप्लीट किया जाना है दोस्तों। पर आपको बता दूँ कि ये ब्राउन फील्ड है, और ग्रीन फील्ड आगे आप लोगों को दिखाएंगे कुछ वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा। देखो दोस्तों लीलगाय, देखो कुछ ऐसी होती है लीलगाय, ये दिल्ली में है। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, ये मिट्टी को काटा जा रहा है, मिट्टी को काटने के बाद में वो ड्रेनेज सिस्टम बना दी है, मिट्टी काटी जा रही है। और दिखाते हैं चल के दूसरी साइड में भी कि दूसरी साइड में क्या काम किया जा रहा है दोस्तों, वो भी आप सभी देख लो, क्योंकि सारे में ही इसको जितनी भी ये रोड थी वो उसको उधेड़ने का काम किया जा रहा है। और देखो साइड वॉल लगा के अर्थवर्क का काम किया जा रहा है दोस्तों, ये साइड वॉल लगा के और अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। ये है दूसरी साइड का नज़ारा, और देखो सर्विस लाइन के लिए पहले ही इन्होंने बना दिया है, ये देख सकते हो काम चल रहा है तेजी के साथ में भाई। तो चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के। Thank you.
ये सामने चमक रहे, ये देखो पैरा फिट बॉल, और इसके बगल में ही ये दूसरा अंडर पास, ये यहाँ पर बनाया जा रहा है, देख सकते हो पिलर बनाकर पियर कैप का काम भी हो चुका है। अब इसमें गाटर लॉन्चिंग कर दी जाएगी दोस्तों। गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में देखो ये पैरा, ये साइड वॉल लगा दिए जा चुके हैं देख सकते हो, और ये अर्थवर्क का काम किया जा रहा है दोस्तों। दिल्ली मेरठ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को बनाया जा रहा है, और ये नज़ारा है दोस्तों, ये है पाबी पुस्ता दिल्ली वजीराबाद। और जैसे ही हम आगे चलेंगे देख सकते हो ये पैराफिट बॉल लगाने का काम चल रहा है दोस्तों। अब इस पर कॉन्क्रीट की ले, इस पर कॉन्क्रीट भी डाला जाएगा, तो देख सकते हो ये सेटिंग लगा रहे हैं, ये कंक्रीट भरा जा रहा है पैराफिट बॉल में दोस्तों, और फिर इसके बाद में ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा देख सकते हो। तो ये बन के ऐसा समझो कि इसमें 50% काम हो चुका है कंप्लीट इस पाबी पुस्ते पर दोस्तों। और ये आपको बता दूँ ये ग्राउंड लेवल पर आ जाता है, तो अभी ग्राउंड लेवल का ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को फिर ये एलिवेटेड हो जाएगा, तो अभी आगे और आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों कि किस जगह पर कहाँ पर इसका जो टोल प्लाजा है वो बनाया जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस एंजॉय करते रहो, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देख सकते हो कि ये साइड में लोकल ट्रैफिक के लिए बना रहे हैं, और इस पर देख सकते हो अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम पहले ही बना लिया जा चुका था, और ये एक्सप्रेस लाइन ये बाद में बनाई जाएंगी। तो देख सकते हो ये मिट्टी डालने का काम चल रहा है दोस्तों, तस्वीर आप लोग देख सकते हो, और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि आगे यूपी बॉर्डर ये आने वाला है देख सकते हो, ये दिल्ली और यूपी बॉर्डर ये देख सकते हो, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है ना, यहाँ पर ये दिल्ली ख़त्म हो जाता है और उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और दिल्ली के अंदर जो कंपनी वर्क करी वो है गवार कंस्ट्रक्शन। दोस्तों जो यूपी में कंपनी वर्क कर रही है वो है सीगल कंपनी, तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, साइड वाल लगा दिए जा चुके हैं, जैसे जैसे साइड वाल लगाते जाएंगे वैसे वैसे अर्थवर्क का काम करते चले जाएंगे, और ये है एक्सप्रेस लाइन दोस्तों, देख सकते हो आप लोग तस्वीर है, इस पर पैराफिट बॉल भी लग के कंप्लीट हो चुके हैं, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और ये वाला अंडरपास बनके कंप्लीट हो चुका है, पैराफिट वॉल का काम किया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर ट्रैफिक आना और जाना स्टार्ट हो चुका है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो गाइस। दोस्तों ये बना जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो आप सभी देख सकते हो के पी संत के चैनल पर दोस्तों, देख सकते हो अब आप लंबा चौड़ा किस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है दोस्तों। ये बनाई जा रही हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की 6 लेन,
क्योंकि थ्री लाइन उस साइड में है, थ्री लाइन उस साइड में, और सिक्स लाइन ये है, देख सकते हो बीच का। तो आपको बता दूँ ये साइडों में देख सकते हो, ये बाल लगा के और अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, और इधर भी देखो अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हो, कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को गाइस। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, कि उधर की लेयर तो कंप्लीट कर ली गई हैं, और इधर ये साइड में है देख सकते हो, ये लोकल ट्रैफिक के लिए है। सिक्स लाइन थ्री लाइन, थ्री लाइन इस साइड में है, थ्री लाइन उस साइड में है गाइस। ये देखो, और ये बीच में तो आपको पता ही है कि ये लगा दिए हैं साइड वॉल, और जो इसको मिट्टी को रोकने के लिए वो देखो ये वाला लगाया जाता है इस तरीके से। ये बहुत ही मजबूत होता है गाइस, देखो किस तरीके से ये यहाँ पर टीम लगी हुई है, किस तरीके से काम कर रही है, और ये अर्थवर्क का काम किया जा रहा है दोस्तों। थ्री लाइन इस साइड में है, थ्री लाइन उस साइड में है। तो चलो मैं आप सभी को आगे और दिखा देता हूँ एक बार चल के गाइस। लो भैया, तुम्हारा ज़रूर आएगा, क्यों परेशान हो। देखो इस तरीके से ये लगाई जाती हैं पट्टी, ये बेल्ट लगाई जाती हैं, देख सकते हो दोस्तों ये साइड वॉल में। तो इस तरीके से ये वर्क चल रहा है। ये देखो इनका लंच टाइम चल रहा है अभी। हाँ भैया, लंच टाइम चल रहा है। अच्छा, अब ये बेल्ट खींचने का काम चलेगा, देख सकते हो ये खींच भी रहे हैं इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर मिट्टी की लेयर बिछा दी जाएगी, फिर ये मजबूत हो जाएगा, फिर ये निकलने की संभावना बहुत ही ना के बराबर रह जाती है। तो इस तरीके से देखो ये बेल्ट लगाई जाती है इसमें खाने में फंसा फंसा के, और इसको क्या। और ये है दोस्तों देखो कंपोजिट, ये देखो ये कंपोजिट है, इसमें जाली वाला होता है, और इसमें ना तो पानी आएगा, बिल्कुल पानी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि पानी आता है उधर से फिर ये मिट्टी बैठने लगती है। तो इसी वजह से ये कंपोजर को लगाया जाता है, और ये देख सकते हो ये बेल्ट लगाई जा रही है। तो ये है, और देखो ऊपर आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से इन्होंने ये थ्री लाइन इस साइड में, थ्री लाइन उस साइड में बना दी है दोस्तों। ये देख सकते हो आप लोग तस्वीरें गाइस, तो ये हैं नज़ारे यहाँ के। अब आप लोग बता सकते हो, देखो आप सभी,